भाई मत कर मत कर, मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे बेटा पढ़ो मत पढ़ो। भाई हो गया खत्म। मतलब बेसिकली मैम को ये लग रहा था कि मैंने किसी से फोटो मंगवाया और उसी फोटो को वापस से अपलोड कर दिया। उसको पता है पागल बना रहा हूँ। तो यार ये एग्जाम्स वगैरह होने नहीं चाहिए। नमे लियो कहाँ है भाई? 10-10, 15-15 बच्चे ग्रुप में भाई चल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं भाई, मजा आ जाता है भाई। देख कितने रिस्क में रखता हूँ मैं फोन को, गद्दी डाल के सो सकते हैं यहाँ पे भाई। मुझे लगा भाई जल्दी भर जाएगा पानी, आज तो भाई स्पीड की हद ही हो रखी। ओ भाई मेरा मुंह और इस पे कॉपीराइट आ गया तो क्या होगा? 3 महीने भर जाएगा। 3 महीने? 3 महीने से पहले मोनेटाइज हो जाएगा ये? अरे भाई क्या बात कर रहे, 3 दिन में डालता है वीडियो। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। भाई ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, और 12 बज गए, मतलब 9:45 पे स्टार्ट हुआ था, 12 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे होगा भाई, मतलब 12:45 खत्म होगा। तो भाई खत्म होने के बाद टीचर देख सकती भाई मुझे, तो खत्म होने के बाद करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। अभी तक तो ठीक ठाक जा रहा है, पेपर फाइनल है, केमिस्ट्री है, जैसे पेपर खत्म होता है ब्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। भाई हो गया खत्म। मतलब भाई लंबा था भाई बहुत ज्यादा। एंड में पता है क्या हुआ, मैम ने बोला कि मतलब सारे सबमिट वगैरह मैंने टाइम पे कर दिया था सबमिट। मैम ने बोला कि क्रिश तुमने अपने आंसर शीट्स पे नाम नहीं लिखा। मतलब बेसिकली मैम को ये लग रहा था कि मैंने किसी से फोटो मंगवाया और उसी फोटो को वापस से अपलोड कर दिया। तो भाई एट लास्ट मतलब मैंने नाम वगैरह लिख के फिर से अपलोड करा, भाई नेट इतना स्लो गया भाई, पेपर के बीच में नेट बंद हो गया मेरा। फिर भाई डेटा से चल रहा था सब कुछ, डेटा मेरा 90% खत्म हो गया। 2 GB मिलता है, मतलब 1.5 GB, पहले 1.5 GB वाला था, फिर मैंने 2 GB वाला, वो अपना थोड़ा मतलब वाईफाई कई बार धोखा दे देता है, तो भाई 2 GB मैंने पापा को बोला, पापा ने 2 GB वाला कर दिया। एयरटेल में मतलब शायद 400 का है, 1.5 GB का 350 या 300 का है, पता नहीं भाई, 100 रुपये महंगा है इतना पता है। तो भाई भाई बहुत दिनों में आज मतलब व्लॉग तो भाई मैंने कल भी बनाया था पर वो अच्छे से बना नहीं था, तो भाई उसे कांटा मार दिया हमने, डिलीट कर दिया। एडिट थोड़ा बहुत कर लिया था 1-2 मिनट का, फिर मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि बहुत बेकार बना था वो। तो आज फिर से आज मैंने सोच लिया भाई पूरा एंड तक ब्लॉग बनाऊंगा आज। भाई मैंने सोचा है, मतलब पापा ये कह रहे थे, इसकी ना स्क्रीन खरीदनी है ना मैं की, तो पापा ये कह रहे थे कि ऑनलाइन खरीद ले, पर ऑनलाइन हमने आई स्क्रीन आई पर भाई वो अच्छी नहीं लगी हमें, क्योंकि 24 इंचेस थी ज़ेब्रोनिक्स की, 24 इंचेस 9000 की समथिंग, 8900 की थी, तो वो पापा ने वापस करा दी। पापा बोलते कि ज़ेब्रोनिक्स वगैरह बेकार कंपनी है, हम खरीदेंगे उसकी सैमसंग वगैरह, सैमसंग LG इन सबकी, डेल की। तो भाई आज हम जाएंगे मार्केट, शायद पक्की बात नहीं है, तो देखते भी पापा आएंगे लंच के लिए, तब पापा से पूछते हैं भाई, डिपेंड करता है पापा के मूड के ऊपर और क्या रहता है भाई, तो देखते हैं। आप लोग अगर भाई कहीं घूमने चले भाई वहाँ पे, भाई आज बता वहाँ ब्लॉग कर लूँ मैं, भाई वहाँ पे ब्लॉग कर लेते हैं, देखता हूँ भाई कर ले भाई। अगर आज का ब्लॉग पूरा करना है तो भाई वहाँ जाना पड़ेगा, मतलब वहाँ जाके करना पड़ेगा ब्लॉग, और अगर आज का पूरा फिर अगर आज का पूरा नहीं होगा तो फिर भाई मैं कल अपलोड नहीं कर पाऊँगा, फिर और एक हफ्ता लेट हो जाएंगे हम। रोज़ ब्लॉग करना था, हफ्ते में एक हो रहा है, क्या भाई क्या बेइज्जती करा रहा हूँ मैं अपनी। भाई सबसे ज्यादा दिक्कत ना मेरे स्टोरेज की है फोन में, 16 GB है ये, 16 GB भाई भर जाती है एक दिन के ब्लॉग में पूरी, और कुछ नहीं रखता मैं इसमें, इंस्टा वगैरह, इंस्टा व्हाट्सएप वगैरह मेरे दूसरे फोन में, तो उसमें तो 16 GB भाई पूरी ब्लॉगिंग के लिए ये एक तरह से। अब भाई लंच कर चुका हूँ भाई मैं, एक बार वहां देख के आते लियो क्या कर रहा है। भाई वैसे तो सो रहा था पर मैं आया तो भाई उठ गया। लियो ले ले ले, आजा उठ गया। उसको पता है पागल बना रहा हूँ, ऊपर आ जा, कहाँ सो रहा है नीचे। भाई पापा ने ये बोला है कि एक्चुअली अभी कुछ पता नहीं है, पक्का नहीं है, पापा ने बोला जाएंगे तो 4 बजे के बाद, अभी बज रहे 3, तो भाई अगर चले गए तो भाई टेक वाला चैनल बिल्कुल एक तरह से बंद हो जाएगा भाई। 3 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली मैंने, क्योंकि भाई पेपर वेपर का कुछ सीन हो रहा था, तो भाई पढ़ाई भी करनी है एक तरह से। तो भाई एक लाइव स्ट्रीम मैंने बीच में करी थी टेक वाले चैनल पे, पर भाई वो लाइव स्ट्रीम उतने अच्छे चल नहीं पाई क्योंकि दोस्त की कॉल आ गई थी बीच में, तो भाई वो लाइव स्ट्रीम वहीं पे बंद हो गई। फिर से मैंने लाइव स्ट्रीम करी तो उसमें उतने लोग जुड़ नहीं पाए, वॉचिंग अभी कम चल रही है क्योंकि मैंने उतने ज्यादा अच्छे से बताया नहीं था लोगों को कि भाई मैं आऊंगा लाइव। पर भाई हमें आज का पता नहीं है कि भाई पक्का होगा या नहीं होगा, इसलिए भाई मैं ऑलरेडी पहले अपलोड करके रख रहा हूँ यूट्यूब स्टूडियो पे। अगर जाने का सीन मच हो गया, मतलब जाने का सीन, तो भाई मैं उसी समय पब्लिश कर दूंगा, जैसे बाबा बोलेंगे कि भाई चल या फिर चलना है, तो भाई उसी समय पब्लिश कर दूंगा। भाई अपलोड हो गई है वीडियो, मतलब अपलोड कर दी, पब्लिश नहीं करी अभी, पब्लिश देखता हूँ भाई पापा की जैसी कॉल आती है उस हिसाब से प्लान बनता है पब्लिश का। हाँ भाई 3 बज गए भाई, आज धूप बहुत तगड़ी है भाई, मजा आ रहा है भाई, देखो ओ धूप में खड़ा हो रहा ना, ऐसा लग रहा है गर्मी सी हो रखी, दिखाऊं आप लोगों को भाई आज ऊपर की तरफ धूप आई है, मतलब बेसिकली वैसे उस साइड धूप आती है, उधर की साइड इधर भी आ रखी है, देखो भाई कितनी तेज धूप आ रखी है, देखो
नीचे भाई शैडो दिख रही होगी भाई कितनी तेज, आज तो भाई बहुत तेज धूप है भाई, और भाई आज हवा भी नहीं है, आज तो भाई बैडमिंटन खेलने वाला मजे आएंगे। तो यार मैं दो दिन से बैडमिंटन खेल रहा हूँ, वे कबूतर कैसे बैठे हुए हैं भाई खाली पेड़ पे कबूतर, भाई ऐसे कभी नहीं देखा मैंने भाई, बहुत तगड़ा नेचर का यार यहाँ पे दिखता है भाई, यहाँ पे ये पत्ते वत्ते आ जाते ना भाई पूरे पे भाई, इतना सही लगता है ना यहाँ पे भाई, आज तो भाई धूप है भाई भाई एक्चुअली गद्दी डाल के सो जाओ। अभी हाँ भाई गद्दी डाल के सो सकते हैं यहाँ पे यार, ये एग्जाम्स वगैरह होने नहीं चाहिए यार, पर एग्जाम्स वगैरह नहीं हुए ना वैसे भाई, ऑनलाइन एग्जाम में कोई नहीं पढ़ रहा, और एग्जाम्स वगैरह अगर नहीं होंगे ना भाई तो भाई सब वेलिया मारेंगे भाई दबा के, मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे बेटा पढ़ो मत पढ़ो, और भाई एग्जाम्स से ही पता चलता है भाई कहाँ आप स्टैंड करते हो अपनी क्लास में अपने स्कूल में, या फिर अगर बोर्ड बोर्ड दे रहे हो चाहिए स्टैंड करना, टीचर कैसे बनाएगा अपना बिना एग्जाम्स के, ऐसे थोड़ी होता है भाई। पौधे सूख रहे हैं इधर तो देखिए, ये सूख गया है पूरा पौधा भाई, इनको दिख भी नहीं रहा हूँ मैं, इतनी तेज धूप है, पूरा सूख गया पौधा ये वाला, इससे ज्यादा धूप आती है ना इसलिए सूख गया। पानी डाल लेते पहले इसमें, नहीं उसमें पानी मत डालो, तू डालेगा चल, मैं हम बड़ी वाली बालकनी में चलते हैं भाई, दूसरी बालकनी में डालते हैं पानी, पहले लियो को देख लेते हैं फिर से क्या कर रहा है। अबे यहाँ तो है ही नहीं, कहाँ गया अबे, कहाँ चला गया ये नमे, लियो कहाँ है, पापा के साथ चला गया, वो कब गया पापा के साथ ही, जब पापा चले गए भाई पता ही नहीं चला, मैं सोचू पता नहीं, वो भाई इसी कमरे में रहता है, ये वाले कमरे में ही रहता है भाई, वो और कहीं जाता नहीं है वैसे तो, मैं सोचू भाई आज कहाँ चला गया भाई, ये कमरे में भाई हम घुसते ही नहीं है, वैसे ड्राइंग रूम है भाई ये पूरा, पर भाई हम इसमें इसलिए नहीं घुसते भाई, अब कोई आता ही नहीं भाई घर में भाई, पहले तो भी आ जाया करते थे लोग भाई, अब तो भाई बहुत ज्यादा कम हो गया कोविड की वजह से। नहीं मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब भाई देश के अंदर 600-700 कोविड के पेशेंट्स थे भाई, तब तो भाई हम इतनी ज़्यादा प्रिकॉशन रखते थे कि भाई एक एक चीज़ धो धो के ला रहे हैं, और अब देखो भाई कितने लाख हो, ऑलमोस्ट 1 करोड़ केस हो गए, अब देखो भाई देखो कितनी भीड़ भाई, जब देखो भाई तुम 5 बजे देखोगे ना नीचे सीन, इतना तगड़ा सीन होता है भाई, 10-10, 15-15 बच्चे ग्रुप में भाई चल रहे होते हैं खेल रहे होते हैं भाई, मजा आ जाता है भाई, यही टाइम तो होता है भाई, खेलो कूदो पढ़ो टाइम से भाई, जो अपनी हॉबी है उसको सेटल करके रखो भाई, पर यार देखो भाई क्या होता है भाई पता नहीं, डालते पानी पौधों में भाई, देख कितने रिस्क में रखता हूँ मैं फोन को भाई, यहाँ से बहुत ज्यादा तुम्हें दिख रहा है मेरा मुंह, मुझे भाई दिख नहीं रहा, यहाँ से भाई बहुत तगड़ा ज्यादा बहुत तगड़ा सीन है भाई, यहाँ से गिर सकता है फोन, पर भाई मैंने इस हिसाब से सेटल करा है कि गिरेगा नहीं, मेरे हिसाब से तेज हवा चल गई तो गिर सकता है भाई, मुझे लगा भाई जल्दी भर जाएगा पानी, आज तो भाई स्पीड की हद ही हो रखी, आज तो भाई देसी स्टाइल भी काम नहीं कर रहा, मतलब देसी स्टाइल काम तो कर रहा है, और भाई तुम स्पीड देखो भाई, दिख रहे भाई अब तो भाई एक एक बूंद आ रहा है भाई, मुझे लग रहा है भाई इस टैंक इस टैप में पता नहीं क्या भाई, ऊपर हमारी टैंकी भरी हुई होगी ना, फिर भाई इसमें बहुत धीरे आता है हमेशा भाई, इसका जब से ये हमने लगाया है ना नली दर तब से ही है भाई इसके ड्रा में भाई, बहुत जल्दी सूखने लग गए आजकल पौधे भाई, पहले तो भाई 15-15 दिन में डाला करते थे पानी, अब भाई 2-3 दिन में डालना पड़ जाता है, थोड़ी गर्मी सी आ गई भाई, प्लेजेंट मौसम है सब, इसको बोलते हैं प्लेजेंट, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, तो मतलब भाई एक स्वेट शर्ट में काम चला सकते हो, एक स्वेट शर्ट में बहुत तगड़ा काम चल जाएगा भाई, ये पौधा तो पूरे सूख गया, थोड़ा सा भर गया भाई इतना ही, पहले डाल देते हैं भाई, बहुत दिनों से 4-5 दिन से नहीं डाला पानी, सारे पौधे सूख गए भाई, मत कर अच्छा अपनी जगह है, मुझे लगा गाड़ी पे गिरा रहा है। अब इंस्टा ने रील्स भी इंट्रोड्यूस कर दी है, मैंने खुद ये चीज नोटिस करी है, भाई मैं रील डालता हूँ ना तो भाई इम्पैक्ट पड़ता है, इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है मेरे अकाउंट पे, रील नहीं डालता तो इंटरेक्शन रहता है अराउंड 3-4%, मैंने रील डाली 384% इंटरेक्शन आया मेरा पिछले वीक से, तो भाई एक हफ्ते में 300 गुना भाई इंटरेक्शन बढ़ रहा है, तो भाई ये तो भाई खुद इंस्टा चाहता है कि भाई रील्स प्रमोट हो भाई, मत करो ये रील्स प्रमोट हो, और भाई रील जो बना रहे हैं भाई उनके फॉलोअर गेन हो भाई, तुम रील खोल के देखोगे ना इंस्टा पे भाई दुनिया भर की रील मिल जाएंगे भाई, जिनके फॉलोअर 100-100 के हो रहे भाई, अब हर बंदा इंस्टा पे भाई 100K 200K लेकर घूम रहा है भाई फॉलोअर, जो भी वीडियो क्रिएटर है ना भाई वो उसके भाई हैं। टिकटॉक को ज्यादा ही क्रिंज था, मैं सही बात कह रहा हूँ, टिकटॉक पे भाई कुछ ज्यादा ही था, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी आया भाई, यूट्यूब शॉर्ट्स ये नहीं कहूंगा कि क्रिंज है, पर भाई जैसे वो है ना कौन सी क्रिएटर है वो चिंकी मिंकी है शायद, पता नहीं क्या है भाई, कि भाई उनके यूट्यूब शॉर्ट डांस के यूट्यूब शॉर्ट जो यूट्यूब के गाने से उठाए जा रहे उनमें भाई कोई कॉन्टेंट नहीं है, वो जा रही है यूट्यूब की ट्रेंडिंग में, और भाई जैसे भुवन बाम की अभी आई थी वो पिताजी गॉट टैलेंट भाई वो ट्रेंडिंग में नहीं जा रहा, और भाई चिंकी मिंकी के डांस ट्रेंडिंग में जा रहे, क्या है भाई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, रोस्टिंग चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं और भाई जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर भाई उनके चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे, मार्केट जाते जाते का प्लान कैंसिल हो गया, मतलब नहीं नहीं फोन नहीं आया, पर भाई टाइम टाइम का कुछ सीन टाइम देखो शायद दिख जाए, मैं फोकस करता हूँ
ओ भाई मेरा मुंह भाई, टाइम हो रहा है 4:20। तो भाई अब तो क्योंकि भाई मार्केट दूर है, मैं सोच रहा हूँ नेहरू प्लेस चलते हैं, वहाँ भाई अच्छी और सस्ती चीज़ मिल जाएगी। मतलब भाई सस्ती की बात नहीं है, नहीं नहीं सस्ती की बात नहीं है भाई, भाई बड़ी मिल जाए और स्लिम मिल जाए, इसलिए जा रहा हूँ मैं बस। भाई पापा से पूछता हूँ एक बार, क्या पता भाई कुछ हो। भाई यार अगर अगर भाई मैं जाऊँगा ना नेहरू प्लेस तो भाई खेलना फिर आज कैंसिल। भाई ये एक तरह से एग्जाम का मौसम होता है भाई, फेब स्टार्टिंग मार्च ऑफ एंड तक पूरा एग्जाम चल रहे होते हैं, और इस बार तो भाई और लेटर 10th और 12th की तो भाई मई में है भाई, तो भाई इस बार तो भाई एग्जाम्स बहुत लंबे खींचने वाले हैं। मेरे तो बस खत्म है 19 तारीख को, आज है 8, तो भाई 10 दिन की पढ़ाई और है, फिर फ्री एकदम, फ्री भाई, फिर 11th खत्म, फिर आएगी हमारी 12th भाई, लास्ट ईयर साल का। भाई कहते तो है कि भाई मिस होता है स्कूल, भाई पता नहीं भाई होगा कि नहीं होगा। भाई आज का एग्जाम ठीक गया भाई, ज्यादा बेकार भी नहीं था, ज्यादा मतलब बेकार नहीं था, इतना कह सकता हूँ कि मतलब ठीक ठाक था। 80 तक आ जाएंगे, 80 तक अगर 100 का होगा तो 80 तक आ जाएंगे। भाई ऑनलाइन में ऐसी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी पढ़ाई हुई है, और टेढ़ी मेढ़ी भाई टेढ़ा मेढ़ा ही हुआ है सब कुछ भाई, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ मेरी नहीं सिर्फ तुम्हारी नहीं भाई, पूरा देश पूरी दुनिया का भाई यही हाल है, कोई नहीं पढ़ा भाई इस पूरे साल में। अब भाई 2021 का पता नहीं भाई क्या होने वाला है, अब भाई सबको अगर वैक्सीन वगैरह लग जाती है तो भाई ठीक हो जाएगा, वरना तो भाई फिर से यही हाल रहने वाला है पूरे साल। भाई मुझे डर इसका लग रहा है, इसके अगर ऑफलाइन हो गए तो भाई बेड़ा गोल लुढ़क गए तो बेड़ा गोल हो जाएगा भाई। भाई अभी तो भाई CBSE ने 9th और 11th का ही बताया है। अभी मैम कह रही थी क्या 8th के हुई होंगी, ऑनलाइन होंगे पक्का कह रही थी। हाँ, भाई बोल रहा है कि टीचर कह रही थी तीन टीचर, भाई तीन टीचर से इसने पूछा है कि ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे, तो तीनों टीचर ने तो भाई अभी ऑनलाइन का है, पर भाई CBSE का कुछ ज्यादा पता नहीं होता, 2 दिन पहले सर्कुलर निकलता है इनका कि भाई अब ऑफलाइन करो, सब कुछ ऑफलाइन करो, A to Z सब ऑफलाइन करो, बिल्कुल ऑफलाइन होने चाहिए, अगर ऑनलाइन कर लिया तो सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। तो भाई ऑनलाइन भाई कुछ पता नहीं होता भाई, CBSE का गाने बंद कर पीछे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। यार कॉपीराइट नहीं चाहिए भाई, तो अब से गाने बज रहे थे इसके टैप पे, ये ना के आया अभी गाने बज रहे थे। अबे भाई पूरी रिकॉर्डिंग होगी, फिर से बोलूं अब सब कुछ, इसे कॉपीराइट आ गया तो क्या होगा, व्लॉग फेक तो है, बोल रहे इस पे कॉपीराइट आ गया तो क्या होगा, 3 महीने में हट जाएगा, 3 महीने 3 महीने से पहले मोनेटाइज हो जाएगा ये। अरे भाई क्या बात कर रहा है तू, 3 दिन में डालता है वीडियो, 3 दिन में कहां, तो हर रोज बनाता है व्लॉग, हफ्ते में आएगी अभी ये। हाँ। भाई व्लॉग ही नहीं बना पा रहा भाई, पूरा एंड ही नहीं हो पाता भाई, भूख लग रही है थोड़ी, मतलब चटपटी भूख, रोज रोज मैगी हो जाएगी भाई, कल ही खाई है मैगी, पानी पी के आते हैं भाई। कल एक्वागार्ड हमारा खराब हो गया था, मतलब इसकी ना तार कट गई थी, आज भैया आए थे ठीक करने, आज करके चले गए भाई, इतने सारे बर्तन फैले हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ बर्तन ही कर दूं साफ भाई, फिर मम्मी को आके करना पड़ेगा, बर्तन कर देता हूँ वो बेटर रहेगा, यहीं पे रखते अपना कैमरा। बहुत तगड़ा व्यू आता है, मैंने कल थोड़ी बहुत व्लॉगिंग यहाँ से करी थी भाई, बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है यहाँ से भाई, बहुत सही व्यू आता है, मैं यहाँ पे खड़ा करके देखता हूँ, क्या पता यहाँ से ज्यादा अच्छा व्यू आए, व्यू तो वैसे यहाँ से ज्यादा अच्छा आ रहा है, यहाँ से ज्यादा अच्छा आ रहा है व्यू, पर भाई रखना यहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पे जगह कम है। बस भाई और खड़ा है सीधा भाई, थोड़ा बर्तन वर्तन धो लेते हैं अच्छे से, ये भाई फिर मम्मी को आके धोने पड़ेंगे, मुझे अच्छा लगेगा नहीं, मतलब मुझे भाई अच्छे की बात नहीं है, तो मम्मी थकी हुई आती है बाहर से यार, बेटर यही है कि भाई मैं ही कर दूं थोड़ा बहुत काम, जितनी हेल्प होता है। 2 दिन भाई कपड़े धोए थे, पर भाई पापा ने वॉशिंग मशीन का कर दिया, वॉशिंग मशीन में थोड़ी बहुत खराबी हो रखी थी, इसलिए ना अच्छे से धुल नहीं रहे थे कपड़े, तो पापा ने वो वॉशिंग मशीन ठीक करा दी, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, अब उसमें धुलते कपड़े भाई, कर दिए भाई, दिखा देता हूँ भाई को, बहुत सारे ऐसे लोग देखो भाई, कर दिए भाई जितना बस की था भाई, और तूने नहीं आपने करे हैं। हाँ भाई उस दिन में वो कर रहा कपड़े धो रहा था, मैं उस दिन कपड़े धो रहा था भाई, उसमें भी बीच घुसा, कुछ भी कहा करता बीच घुसता है इधर, तू फिर से तूने इसने कुछ नहीं करा है, मैं कुछ नहीं करता, करता का पता नहीं मुझे, तूने करा नहीं अभी, अभी कुछ नहीं करा भाई, ड्रावे देखो कितने ड्रावे करता है, थक गया करके। ओ हो यार भाई बोल रहा है यार। बोल रहा है बैडमिंटन खेल ले घर में यार, प्लीज यार थोड़ा सा टक 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 बस चला जा भाई, प्लेइंग बैडमिंटन एट होम बस, अब ठीक है परफेक्ट। भाई खुश खेल लिया उसके साथ 10 मिनट बहुत है दिन में, अभी देखता हूँ भाई इफ पेरेंट्स अलाओ तो भाई नीचे चलेंगे खेलने, आज नहीं मैं आपको बोला है कि हम 10वें ब्लॉग पे चलेंगे, 10th ब्लॉग पे हम नीचे चलेंगे, 3rd ब्लॉग है आज, तो 7 ब्लॉग और ऑलमोस्ट 1 महीना रुक जाओ यार, भाई पहले भी 1 महीना भाई 10 ब्लॉग से 10 नहीं, चलो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 8 ब्लॉग से 9वें ब्लॉग जो होगा ना 9वां ब्लॉग वो हम नीचे शूट करेंगे,
नौवा या आठवा ब्लॉक, आठ नौ से ज्यादा लेट नहीं करेंगे ठीक है भाई, न मैं करेगा नीचे शूट। मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। चल भाई मैं कर लूंगा। ओ शिट, वीडियो अपलोड करनी है, 5 बज गए, सिर्फ 12% रह गया, तो भाई फोन चार्जिंग में लगा लेते हैं। तो भाई कर दी वीडियो अपलोड, रैंक भी हो गई, व्यूज भी आना चालू हो गए अच्छे से। तो भाई जब व्यूज आ जाते हैं ना भाई मजा आ जाता है भाई वीडियो देख के। तो भाई सही है, अभी अभी तक तो सही चल रही है, मतलब मेरे हिसाब से तो भाई ये वीडियो पहुंच जाएगी 400-500 व्यूज तक 2 दिन के अंदर। अभी अभी नया ही चैनल खोला है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ भाई, 3 महीने हो गए, और इसको तो भाई अभी एक ही हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते के करीब हुए। पापा ने तो भाई डायरेक्ट मना कर दी, क्योंकि अभी भाई पापा कहीं बाहर गए हुए हैं, तो नेहरू प्लेस वगैरह का ऐसा कोई प्लान नहीं बन रहा। तो भाई वो जाएंगे हम, कल तो ट्यूसडे है, कल नहीं जा सकते, वेडनेसडे जाएंगे, वेडनेसडे को खरीदेंगे इसकी स्क्रीन, वेडनेसडे को लगाएंगे इसकी स्क्रीन। तो भाई इतना ही था आज के पूरे दिन में, लियो से नहीं मिल पाया, थोड़ा सा शायद स्टार्टिंग में मिलवा दिया, सुबह मिलवा दिया आप लोगों को, याद नहीं मुझे। इतना ही था इस वीडियो के लिए, अगर वीडियो नहीं सॉरी अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक जरूर करके जाना भाई इस व्लॉग को, और भाई बाय, पढ़ो लिखो व्लॉग देखते रहो। तीसरा व्लॉग था, मिलूंगा आपसे चौथे व्लॉग में, बाय टाटा के, टेक केयर, बाय। Yeah.